एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम के चयनकर्ताओं के उनकी सेवादारी करने के आरोपों पर पलटवार किया है। अनुष्का ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि उनके नाम पर बेमतलब की खबरें चलाई जा रही हैं। वह कभी भी भारतीय क्रिकेट के मामलों में संबंध नहीं रखती है। अनुष्का ने कहा कि वह चुप रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कमजोर है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना तथ्यों वाली बातों में उनका नाम ना घसीटा जाए। बता दें कि भारतीय टीम की हार के बाद कई बार अनुष्का का नाम विवादों में घसीटा जाता रहा है। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर ने कहा था कि वर्ल्ड कप के दौरान चयनकर्ता अनुष्का की सेवादारी में लगे हुए थे, हालांकि उनके निशाने पर इस समय भारतीय टीम के चयनकर्ता थे। अनुष्का शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लेटर पोस्ट किया और लिखा, मैंने हमेशा से ये माना है कि इंसान के लिए गलत और झूठी अफवाह पर चुप्पी साधे रखना सही होता है। इसी तरह मैंने अपने 11 साल के करियर को हैंडल किया है। मैंने हमेशा अपनी चुप्पी में सच और गरिमा को देखा है। ऐसा कहा जाता है किसी झूठ को बार बार कहो तो वह सच लगने लगता है, और मुझे डर है कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरी चुप्पी की वजह से मेरे खिलाफ बोले गए झूठ सच लगने लगे हैं, लेकिन बस बहुत हुआ। विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर अनुष्का शर्मा को कई बार सोशल मीडिया पर घेरा जाता रहा है। इसका कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके और अब मेरे पति बन चुके विराट की परफॉर्मेंस को लेकर मुझे दोष दिया गया, लेकिन मैं चुप रही। साथ ही भारतीय क्रिकेट से जुड़ी काफी आधारहीन चीजों को लेकर निशाने पर रही, मैं तब भी चुप रही। मेरा नाम लेकर कहानियां गढ़ी गई जिनमें कहा गया कि मैं बंद दरवाजे के पीछे होने वाली मीटिंग में शामिल रही और चयन प्रक्रिया में दखल देती हूँ, लेकिन मैं चुप रही। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि कैसे मुझे तवज्जो दी गई है या विदेशी दौरों पर किस तरह मैंने अपने पति के साथ तय समय से ज्यादा वक्त गुजारा, लेकिन अगर किसी ने बोर्ड से सच जाने की कोशिश की होती तो पता चलता कि मैंने हमेशा से ही प्रोटोकॉल को निभाया है, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। अनुष्का ने लिखा, फर्जी खबरों में मेरे नाम का इस तरह से इस्तेमाल किया गया जिससे लगे कि बोर्ड को मेरी टिकटों व सुरक्षा के चलते समस्या हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने मैचों व फ्लाइट के लिए अपनी टिकट खरीदी और फिर भी मैं चुप रही। उस दौरान उच्चायुक्त की पत्नी के कहने पर मैं ग्रुप फोटो में शामिल हुई थी, जबकि इस बारे में मैं हिचक रही थी और इस पर बड़ा मसला खड़ा कर दिया गया। कहा गया कि मैं जानबूझकर इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी, जबकि सच ये है कि मुझे इसका इन्विटेशन मिला था। इस बारे में बोर्ड की ओर से आधिकारिक सफाई भी दी गई थी और मैं चुप रही। अनुष्का आगे कहती है, जानबूझकर झूठ फैलाने की ताज़ा कड़ी में कहा गया कि वर्ल्ड कप के दौरान चयनकर्ताओं ने मुझे चाय परोसी। वर्ल्ड कप के दौरान मैं एक मैच देखने के लिए गई थी और फैमिली बॉक्स में बैठी थी, न कि सिलेक्टिव बॉक्स में, जैसे कि खबरों में बताया गया है। लेकिन जब सुविधा की बात हो तो फैक्ट पर कौन ध्यान देता है? अगर आपको चयन समिति और उनकी योग्यता पर कुछ कहना है तो बेहिचक कहिए, क्योंकि ये आपका ओपिनियन है, लेकिन अपने दावे को मजबूत करने या अपने ओपिनियन को सनसनीखेज बनाने के लिए मेरा नाम मत घसीटो। खबरदार जो किसी ने इस तरह की बातों में मेरा नाम जोड़ा। उन्होंने आगे कहा, वे सारी खबरें भयानक और जहरीली और छवि बिगाड़ने वाली हैं, इसलिए इस पद को इस खबर का पलटवार ही समझिए। आज मैंने बोलने का फैसला किया क्योंकि किसी की चुप्पी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। मैं ना तो प्यादा हूँ और ना कभी बनूंगी जिसे कोई भी अपने बयान और एजेंडा के लिए इस्तेमाल करे। और अगली बार जब आप मेरे नाम का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति विशेष या बोर्ड या मेरे पति का अनादर करना चाहते हैं तो तथ्यों व सबूतों के आधार पर करें या मुझे अलग छोड़ दें। अनुष्का आगे कहती है, मैंने अत्यंत गरिमा के साथ अपना जीवन जिया और करियर बनाया है और किसी भी चीज के लिए इनसे समझौता नहीं करूंगी। हो सकता है कुछ लोगों को भरोसा ना हो क्योंकि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट महिला हूं, जो एक क्रिकेटर की पत्नी भी है। और जानकारी के लिए बता दूं, मैं कॉफी पीती हूं, चाय नहीं। अनुष्का के इस लेटर के बाद फारूक ने कहा, मेरे कमेंट को मुद्दे से बाहर समझा गया। अनुष्का मेरी बेटी की तरह है, मैं इस पर कटाक्ष नहीं करूंगा। इस तरह पूर्व खिलाड़ी द्वारा माफी मांग लेने और अनुष्का को बेटी कह देने के बाद से मामले में सोशल मीडिया पर थोड़ी शांति छाई है। उनका इरादा अनुष्का को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि चयनकर्ता को आड़े हाथ लेना था। बता दें, बॉलीवुड के कई सितारों ने इस लेटर के बाद अनुष्का को सपोर्ट करते हुए इस पोस्ट पर कई कमेंट्स भी किए हैं। इस पोस्ट पर रणवीर, अर्जुन, काजल, बादशाह,
सोनम, रकुलप्रीत, परिणीति के अलावा कई और सितारे अनुष्का के लिए खड़े नजर आए हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।